अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लैरिटी में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूं आप लोगों का होस्ट जाऊंगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब आप आज की वीडियो का टॉपिक सुनेंगे, मेन इशू हमारे माशरे में क्या है कि हमारे नौजवान को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है और उसे क्या करना चाहिए। हर किसी के जहन में यही सवाल उठता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मुझे करना चाहिए या नहीं करना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये करके कामयाब हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊँगा। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे नौजवान को, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, जो हमारे माशरे का मेमार है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे कैसे पता चलेगा कि वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक स्टोरी सुना के ये बात जस्टिफाई करना चाहूँगा। चंद दिन पहले मुझे दोस्त एक मिलने आया, फ़ोन किया कि मैं आपको ना मिलने आ रहा हूँ बैठक। तो मैं उससे मिलने गया बाहर वहाँ पे। तो उससे बात करते 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 एक बात सामने आई कि हमारा सीनियर एक यूनिवर्सिटी के अंदर था, हमारे ही डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का था। तो वो हमसे तकरीबन एक साल पहले जो है वो एक्स हुआ है, हमारा एक साल रहता है, वो अभी एक्स हुआ है। तो हम जब गए थे यूनिवर्सिटी तो उसने हमें इतना मोटिवेट किया था कि आप जैसे ही इंडस्ट्री में जाएंगे आपको जॉब मिलेगी, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन जब वो बंदा अपनी डिग्री करके बाहर आया है, आप यकीन मानेंगे वो बंदा 5,000 रुपये, 10,000 रुपये स्कूल में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है। ये है हमारे नौजवान का फ्यूचर। तो कैसे इस चीज़ से अवॉइड करना है, कैसे इस चीज़ से बचना है? ठीक है, तो ये बचने का जो अमल है ये आपका शुरू हो जाता है, स्कूल लाइफ से स्टार्ट हो जाता है कि कैसे इस चीज़ से बचना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना इंटरेस्ट समझना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? आप लोगों की बातें सुनते हैं, अपने टीचर की बात सुनते हैं, अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, लेकिन अपने दिल की बात नहीं सुनते कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वही करें, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं वही करें। अगर आप कोई दूसरा फील्ड चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें अच्छे नंबर ले जाएं, आपकी नौकरी भी लग जाए, आप अच्छे पैसे भी कमाएं, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं होगा वो काम करने में, आप उस काम से उकता जाएंगे। यही नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है वो काम हम दिल से करते हैं, हमें उस काम को करने में मज़ा आता है, और जिस काम को करने में मज़ा आता है वो काम बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। मेरा ये दावा है कि अगर आप ये समझ लेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके बाद आप जितना उस काम में अच्छे जाएंगे आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। अगली बात ये कि जिस भी फील्ड में आप जाएं उसमें अपना नाम पैदा करें, मेहनत करें, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। आपकी सोच से भी ज़्यादा आपसे तेज़ लोग पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी में हर किसी का जहन होता है यार लास्ट वीक स्टडी करेंगे, लास्ट मंथ स्टडी करेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, आता जाता कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, जाएंगे, देखा जाएगा, ये वो। ये बातें जो बंदा सोचता है ना उसको नौकरी नहीं मिलती, और फिर वो अपनी किस्मत को कोसता रहता है और अपने टीचर्स को और अपने इंस्टीट्यूट को बदनाम करता रहता है। आपने मेहनत करनी है और जब मार्केट में आना है तो अपनी जगह खुद बनानी है। आपको कोई दूसरा जगह नहीं देगा, अपनी रोजी से आपको कोई दूसरा हिस्सा नहीं देगा, आपको खुद अपनी जगह बनानी है और अपना नाम पैदा करना है। अगली बात, सेंसियरली जो काम आप करेंगे तो आपको यकीनन 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 उसमें कामयाबी मिलेगी। आप कोशिश करें, अपना काम करें, सेंसियरली करें, उसमें कहीं पर भी टंडी ना मारें, कोई भी फट्टी ना मारें, अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। किसी से हसद ना करें, अपना काम बखूबी करते जाएं और ईमानदारी से करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते निकालेगा और आप हमेशा आगे निकलेंगे। तो आज की वीडियो यही थी कि कोशिश करें, सोच समझ के अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करें। जब तक आपको आपका इंटरेस्ट पता नहीं चलता तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे आप जितने भी अच्छे फील्ड में जाएं, जितना भी अच्छा स्कोप आप देख लें किसी भी फील्ड का है, स्कोप आपका होता है, इंसान का स्कोप होता है, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता। जितने भी अच्छे लोग गए हैं उन्होंने अपना स्कोप बनाया है,
खुद अपने आप को डिस्कवर करके, अपना इंटरेस्ट फाइंड करके अपने आप को आगे ले आए, अपने आप को पॉलिश किया है। आपका भी मेन फंक्शन यही है, मेन काम यही है कि अपना इंटरेस्ट फाइंड करें, अपना स्कोप बनाएं ताकि लोग आपको याद रखें और आप कामयाब हों। मेरी दुआ है कि आप लोगों को वीडियो समझ आए और अच्छी लगे, आप कामयाब हो जाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।